हेलो मानसी जी अमनदीप कौर जी है ना आज एक काम करते हैं आज लिंक नहीं भेजते ठीक है जिसको आना होगा उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा हेलो वेद मित्र आर्य जी मेरी तरफ से सभी को हेलो है एक बार सेटिंग देख लूँ मतलब लाइट्स की ना हेलो रमनदीप आकाश अशोक संदीप मेरी तरफ से सभी को हेलो है सभी को नमस्कार और आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा आई गेस हल्का सा जो नाम है ना वो कटा हुआ आपको दिख रहा होगा बट ब्रीफ उससे मिल गया होगा टॉपिक कि रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आज रिकॉल भी हो जाएगा कि जो इनकी थ्योरी थी ठीक है फिर से एक चीज मैं भूल गई दरअसल क्या होता है कि मैं इतने भाग भाग कर आती हूँ ना तो मैं एक चीज भूल जाती हूँ नीचे नीचे से नीचे वालों का नेट ऑफ करना एक्सटेंडर बंद करना मैं सोचती हूँ कि चीजें चल रही हैं तो चलने दो है ना सचरे काल जिस किसी ने भी भेजा मुझे स्टार्ट करते हैं आज फटाफट क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा है टैगोर को सबसे लास्ट में डिस्कस करने का यही रीज़न है कि लास्ट में तो नहीं लास्ट सेकंड एक तरीके से कहूँगी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और हमारे लिए तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडुकेशनलिस्ट भी थे बहुत कुछ कहा है थ्योरीज के बारे में ठीक है इज़्म होते हैं बहुत सारे तरीके के रियलिज्म है आइडलिज्म है नेचुरलिज़्म है तो इनकी जो नेचुरलिज्म की थ्योरी है वो आज थोड़ी सी रिकॉल हो जाएगी पहला नेम जो हमें करना है रोबिंद्रनाथ ठाकुर ठीक है दूसरी चीज निकनेम की बात करूं तो रबी नाम का इनका निकनेम था कि प्यार प्यार में बोल देते थे बहुत बार द बार्ड ऑफ बेंगोल भी कहा जाता है ये बात सबको पता है कि बेंगोली थे ठीक है तो बार्ड मतलब पोएट बहुत हद तक ब्लाइंड पोएट भी कहते थे ठीक है क्योंकि एक वर्ड के कई बार मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं तो बार्ड ऑफ एवोन या स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन से आपको याद आ गया होगा शेक्सपियर जैसा ही कुछ टाइटल इनके लिए भी था तीसरी चीज़ वैसे आपने बहुत सारी चीजें इनके बारे में पढ़ी हैं मेरा काम है सिर्फ रिकॉल कराना जो कि मैं करा दूंगी बर्थ प्लेस की अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर मत समझ लेना जोरान संका जो कि एक जगह है ठीक है कैलकाटा में ये इनका बर्थ प्लेस हुआ करता था आज तो कोलकाता बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय इनके नाम के आगे एफ आर ए एस आपको याद होगा मैंने जो सलमान रुशदी को डिस्कस किया था तब भी मैंने ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था कि भाई जब आप विकीपीडिया पे पढ़ेंगे इनके बारे में कुछ लेटर्स इनके बारे में आगे लिखे हुए मिलेंगे वैसे मिलते हैं तो टी एस एलियट के बारे में भी है ओम करके मिलता है ठीक है Uh, मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो बाद में एड ऑन किया गया है क्योंकि वो एडिटेबल होती है चीजें तो उस चीज का कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है ये भी मैं बता दूं एफ आर ए एस एशिएटिक सोसाइटी के लिए है रॉयल एशिएटिक सोसाइटी मतलब फेलोज ठीक है ऐसे लिख दिया है फेलोज आर से हो गया रॉयल ए से हो गया एशिएटिक यानी कि जो एशिया में जिन्होंने बहुत सारा नाम कमाया सोसाइटी ठीक है आज थोड़ा ऐसे करूँ बिकॉज इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वायर का ना सेवन हंड्रेड प्लस मेंबर्स ऐसा कहते हैं कि रॉयल सोसाइटी ने सिलेक्ट करे तो ये वही वाली रॉयल सोसाइटी है जिसने एग्जिबिशंस भी करे जिसने एक तरीके से सर्वे भी कराए तो कुल मिला के ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का सबसे रॉयल हेरिटेज रहा आर्ट में भी थे स्क्रिप्चर्स में भी थे हर जगह ये थे तो कुछ काम इनका यही था कि भाई चंद लोगों को सिलेक्ट करना जिसने अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एनरिच्ड किया है काम किया है ठीक है तो ये एफ आर ए एस जो सोसाइटी है बेसिकली आर ए एस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के ये मेंबर रहे नेक्स्ट चीज हेलो दीपक शर्मा जी नमस्कार मेरी तरफ से सभी को हेलो है परमजीत सिंह जी अच्छा ठीक है चलो ये भी ठीक है तो अब आगे पॉइंट नंबर फाइव मीनवाइल में देख रही थी काफी लोग कमेंट करते हैं वीडियोस पर है ना फिफ्थ तो चीज एक मैंने आज पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की है जो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे शेयर की है दरअसल क्या है एक कोट है एक राइटर है जो कि आपको मिल जाएंगे वैसे तो ठीक है इनका एक जिसे कहते हैं ना थीसेस सॉर्ट ऑफ एक इन्होंने रिसर्च करी थी और ये लिख रहे थे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वैसे तो बहुत सारे लोग लिखते हैं और अभी भी लिखते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इनका वर्क था इसके अंदर इन्होंने टेगोर के बारे में पूरी तीन चार बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है उसमें से एक लाइन मैंने जो मुझे अच्छी लगी वो था ही बिलोंग्स टू ऑल इंडिया ऑल इंडिया एंड द होल वर्ल्ड और जब आप इनकी अचीवमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाक्य में अपने अंदर एक पूरा जिसे कहते हैं ना एक सिविलाइजेशन को जो कि डब्ल्यू बी एच ने भी कहा कि पूरी की पूरी प्रॉपर सिविलाइजेशन है ये अपने आप में जब आप इनको पढ़ते हैं कितनी भी आप इनकी बुक्स पढ़ लीजिए कितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ लीजिए प्ले पढ़ लीजिए पोम्स पढ़ लीजिए ठीक है या आप उनके अगर वर्क को देखेंगे ना तो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा किया है कोई ऐसा पर्सन जिसको कि स्कूल बिल्कुल जेल जैसा लगता था वो पॉलीग्लॉट था मतलब उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी बांग्ला आती थी इंग्लिश भी आती थी संस्कृत भी आती थी ठीक है बाहर भी गया पढ़ने के लिए अब उसको भी डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में कहा गया ठीक है तो वर्क का ये मैंने आपको बता दिया हाँ जीत जी, सिंह जी बहुत अच्छा लिखा इन्होंने यही रीजन है कि बी एड जो करते हैं वो पढ़ते भी हैं, इनको अलग से भी पढ़ते हैं क्या क्या ये थे बहुत कुछ ये थे दरअसल पोएट ड्रामेटिस्ट नॉवलिस्ट ठीक है म्यूजिशियन फिर एक आता है कंपोजर अब फर्क है दोनों चीजों में ठीक है पेंटर तो इतनी सारी चीजें तो ऐसे ही हो गई एजुकेशनिस्ट जिसे हम एडुकेशनिस्ट बोलते हैं फिलोसफर ठीक है ऋषि जैसे एक कहते हैं ना एक तरीके से सेंट प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह और एक्टर प्रोड्यूसर क्या रह गया शॉर्ट स्टोरी राइटर हाँ, यूनिवर्सलिस्ट वही कोई थीम इन्होंने नहीं छोड़ा देन फाउंडर शांति निकेतन जिसके बारे में कल भी मैंने लास्ट में जाते जाते कहा था अबॉर्ड ऑफ पीस एक्सपेरिमेंटल स्कूल था ये इनका जैसे कि आज के टाइम में विश्व भारती स्कूल यानी कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया ठीक है तो इतना सब कुछ था क्या याद रखना है अब आप देख लेना पूछा जाएगा तो पोएट है ना या फिर नोवलिस्ट ज्यादा तो पोएट ही थे ये अपने आप को ये कवि कहा करते थे इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था कि मैं दरअसल कवि हूं और आपको अगर पढ़ें आप तो पता चलेगा आठ साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था मतलब आठ साल का बच्चा क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आता कोई एक पर्सन जो कि कभी स्कूल गया ठीक है और उसको स्कूल जेल जैसा लगता था मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है जब आप नेचुरलिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे अगर पढ़ी हो तो कि जब ये स्कूल जाते थे ना तो इनको जो कन्फाइंड प्लेस है कि भाई वॉल में अंदर बिठा दिया क्योंकि पुराने टाइम में तो पाठशाला सिस्टम होता था ट्री के नीचे चारों तरफ मतलब घंटों लेसन को रिपीट किया जाता था आज का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था एक दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वैदिक मैथ्स ही पढ़ रहे हैं एक दिन अगर फिलोसफी पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ चल रही है तो ये किस चीज़ के फेवर में थे ये नेचुरलिज्म के फेवर में थे इनका ऐसा कहना था कि बाहर का जो माहौल है ना उसमें अगर किसी को छोड़ दिया जाए प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए मान लीजिए अगर मैं आज के डायनामिक की बात करूँ आपने किसी बच्चे को ये कह दिया खेत ऐसे होते हैं खेत में स्केयर क्रो होते हैं ठीक है सॉइल होती है बहुत ही प्योर सॉइल होती है और उसमें कोशिश यही करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कर यूज़ करें ये चीज़ ऐसे दिखती है ग्रास ऐसे दिखती है तो बेहतर यही है उसको फील्ड विजिट कराएं ना तो ये इनका यही मानना था कि नेचर में छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत अच्छी होती है तो ये खुद भी इसी चीज के फेवर में थे और एक जगह इन्होंने कहा भी है आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द बुक्स वेरी यूजफुल जो लिख दिया मतलब लिख दिया अब आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि भाई उसको वहां तक पहुँचा दिया जाए कैसे पहुंचाएंगे अलग अलग थ्योरीज से तो थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म जिसके बारे में मैंने इज्म के बारे में आपको बता दिया ठीक है तो थ्योरी इनकी नेचुरलिज्म की चलो ये भी हो गया ब्रीफ इसका मैंने बता दिया है कि नेचर के रिगार्डिंग वो बात करते हैं अब थोड़ी सी रूट्स को अगर आप ट्रेस करें हैं, तो ज़मीदार थे बहुत ही रिच कल्चर ठीक है रहा है इनका ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे इनके जो ग्रैंडफादर थे ठीक है वो सोशल रिफॉर्मर है ना राजा राम मोहन रॉय उनके साथ मतलब कुछ हद तक कनेक्शन था ठीक है तो अब एक रिफॉर्मर का जिन्होंने कि ब्रह्मो समाज की स्थापना की ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है क्योंकि उस आइडियोलॉजी का पूरी फैमिली पर कही न कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा ठीक है तो आपने एक्ट्रेस देखी होंगी ना शर्मिला टैगोर दरअसल वो इन्हीं की फैमिली का पार्ट है ठीक है तो बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी आई होप कि यहां से शायद कुछ लोगों को ये बात पता चल जाए नेक्स्ट चीज इन्फ्लुएंस्ड बहुत सारी चीजों से बहुत सारे लोगों से उनकी थिंकिंग से इन्फ्लुएंस्ड हुए अब क्या है पहली चीज तो उपनिषद इनके ग्रैंड फादर फादर और ये मतलब रूट बाय जनरेशन रूट, वाइज ये चीज एक, एक जनरेशन से दूसरे को पास ऑन होती गई तो ये चीज़ जो इनके अंदर नेचुरली आ गई फिर क्या हुआ जो इंटरेस्ट था वो भगवद गीता में भी जनरेट हुआ ठीक है तो ये ये भी पढ़ते थे कबीर के दोहे ये पढ़ते थे तो काफी आपको अगर पढ़ने को मिले ना मतलब विकीपीडिया पे दिया हुआ है कि इनका एक वर्क है जिसमें इन्होंने कबीर के दोहे को यूज किया है तो ये तो हो गई इन पे इन्फ्लुएंस ठीक है मैंने एक चीज बता दी है वैसे आपको ना कि कभी भी इनको इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में ठीक है वो मैंने पॉइंट के तौर पे लिखा था तो मैं आपको रिकॉल के लिए बता देते हूँ तो कि कई बार लोग इस हाई स्पीड में देखते हैं ना तो हो सकता है दे विल मिस आउट द पॉइंट तो किस चीज में लैक ऑफ इंटरेस्ट था एक तरीके से ठीक है वो क्या हो गया स्कूल अब इनके केस में क्या है जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनको बाहर भी भेज दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन पढ़ने के लिए अब एक पुराने टाइम का क्या था कि जिसके पास पैसा हुआ करता था अगर प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है मिनिमम एलिजिबिलिटी भी नहीं है तो उनको भेज दिया जाता था बाहर आज तो प्रॉपर सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन देना पड़ता है ना आपको कि ये चीज़ है देन हम अप्लाई कर सकते हैं बट उस टाइम ऐसा नहीं होता था ठीक है इनके टाइम की बात हो रही है एटीन में अगर आप एज वाइज चौदह पंद्रह साल ऐड कर दो तो उस टाइम की बात हो रही है लिटररी करियर स्पैन सबसे पहले ये चीज डिस्कस करनी है हाँ लिटररी करियर स्पैन इसको क्या कहा जाए ऑलमोस्ट सिक्सटी ईयर्स का साठ साल इन्होंने सिर्फ लिखा है अब लाइफ के अगर साठ साल किसी ने सिर्फ लिखा ही लिखा है आठ साल की उम्र से अगर लिख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितना मेंटली वो ग्रोथ कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं एंडलेस सारी यहां डिस्कस नहीं होंगी इसलिए स्क्रीन शॉट टेलीग्राम ऑफिशियल जो ग्रुप है उस पर भेज दिया जाएगा ठीक है कुछ मेन वर्क मैं यहाँ डिस्कस कर लूंगी क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो भी यहाँ डिस्कस कर लूंगी लेकिन होता है ना कई लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिकॉज बहुत सारे लोग टैगोर को फेवर भी करते हैं ठीक है तो वो पढ़ना चाहेंगे तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है मैं एक्सटेंड इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज अभी मैं ऑलमोस्ट बढ़ रही हूँ नियर सी ठीक है और उसके बाद हम लिंग्विस्टिक स्टार्ट करेंगे तो मैं इस वीक से ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं कर सकती तो 1881 में यही हुआ ना हाँ इनको दरअसल क्या हुआ कि पहले स्कूल तो स्कूल में तो मन नहीं लगा तो इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने इनको घर में पढ़ाया तो घर में जितनी नॉलेज वो अपने लेवल पे दे सकते थे उन्होंने दी उसके बाद इनका माहौल चेंज करने के लिए इनको लंदन भेजा गया तो इस टाइम के दौरान जब ये लंदन से वापस आए ना वेन ही केम टू इंडिया ठीक है वापस जब आ, तो ये इंडिया आने के बाद सडनली इनका जो ध्यान होता है ना वो वेस्टर्न हारमोनीज की तरफ चेंज हुआ जैसे कहता ना म्यूजिक ठीक है क्योंकि बाहर तो ओपेराज वगैरह पहले भी चलते थे एलिजाबेथन टाइम से चलते थे प्लेज थिएटर वो चीज़ यहां नहीं थी अगर आपको ध्यान हो तो तो इन्होंने क्या चीजें सीखी बांग्ला वैसे तो बंगाली ही थी बट ये लैंग्वेज फिर भी इन्होंने सीखी इन्होंने सीखी संस्कृत इंग्लिश लिखते थे इंग्लिश में दो ही लैंग्वेजेस में ये लिखते थे इंग्लिश में और बांग्ला में साइंस एंड म्यूजिक ठीक है तो इन चीजों की तरफ जो रुझान था जो फोकस था वो बढ़ गया बाहर से जब ये आए तो कुछ राइटर्स भी ऐसे थे जिसको लेकर ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे कंसर्न आप समझते हो ना कि भाई बाहर गए किसी ने कुछ सजेस्ट करा कि ये पढ़िए और इन्होंने वो चीज ध्यान में रखी उसमें से है शेक्सपियर विलियम आर्डन शेक्सपियर ठीक है थिएटर आर्टिस्ट एक्टर इन्वेस्टर और भी बहुत कुछ बस कहते हैं ना नाम काफी है वही चीज दांते और संस्कृत की अगर बात करूं तो संस्कृत में है बहुत सारे लोग अभी लिख के भेज रहे होंगे मैसेजेस एक बार चेक करूं कि क्या कह रहे हैं हाँ जी परमजीत सिंह जी आठ साल की उम्र में इन्होंने किया मृदुरा राठौर पूछ रही हैं एक्टर इन्होंने क्या काम किया है मैम नुक्कड़ नाटक होते हैं ना नाटक होते हैं ना ठीक है 1912 और 1913 में जब आप सर्च करोगे तो पहली जो मूक पिक्चर थी इंडिया में इंडियन सिनेमा में ठीक है वो आ गई थी आलमारा वगैरह का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे कि फर्स्ट इंडियन फिल्म इंडियन सिनेमा में मूक पिक्चर यानी कि साइलेंट पिक्चर कौन सी थी तो जो कंपोज किया करते थे ना एक तरीके से ठीक है इंडियन सिनेमा उस टाइम इतना डेवलप नहीं था लेकिन नाटक वगैरह कुछ हुआ करते थे ठीक है आई होप आपको जवाब मिल गया होगा एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू पॉइंट ओ यूपी के लिए अभी कुछ नहीं है आई विल गो ऑन अ ब्रेक ठीक है जिसको हेल्प मिले मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए ठीक है मेरी भी कुछ स्टडी का प्रोसेस है वो अटका हुआ है तो जाएंगे थोड़े टाइम के ब्रेक के लिए फिर स्टार्ट करेंगे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया ना जब नोटिफिकेशन आएगा तब यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए फ्रूटफुल चीज़ें फिर लेकर आएंगे अभी तो नहीं क्या कह रहे हैं दीप रमन जी दीप रमन जी बफर करेगा इससे टाइम ठीक है बीच बीच में बफर शायद इसलिए भी करेगा क्योंकि नौ बजे का स्लॉट होता है ना अब मुझे नंबर याद दिलाओ पहले कौन से नंबर पे थी मैं नहीं तो मैं फिर ऐसे ही लिखूंगी गुरुदेव का टाइटल इनको दिया गया था ठीक है किसने दिया था ये एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था उसमें महात्मा गांधी के नाम के साथ साथ पंडित नेहरू का नाम भी दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भी दिया गया था तो कई बार क्या होता है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने कि बहुत एफर्ट्स किए हैं प्री इंडिपेंडेंस में तो उनके नाम दे देता है बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है किंग जॉर्ज फोर अच्छा वो तो कल थे ना फाइव आ गए अब तो किंग जॉर्ज फाइव नाइनटीन की बात कर रहे हैं ठीक है ब्रिटेन में ही थे तो इनको नाइट हुड का टाइटल दिया गया था जो कि इन्होंने वापस कर दिया था अगर आपको याद हो तेरह अप्रैल उन्नीस जलियावाला बाग ठीक है मैं उस दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ ठीक है भीड़ पे जो गोलियां चलाई गई उससे नाराज होकर इन्होंने जो भी ऑनरेबल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको टाइटल दिया था ना नाइट हुड का ये इन्होंने पंद्रह में मिला था और उन्नीस में इन्होंने वापस कर दिया काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था उस टाइम कि लिया ही क्यों था मतलब आपको ये बात पता थी कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं आपके लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं आप ही के लोगों को आप ही के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं तो लिया ही क्यों था ये भी सवाल उठता है तो क्रिटिसाइज करते हैं लोग ठीक है तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा और क्या रह गया अभी रहता है ऑलमोस्ट इक्कीस पॉइंट है ये भी आपने पढ़ लिया होगा कि फर्स्ट एशियन थे ठीक है वो एशिएटिक सोसाइटी थी ना रॉयल एशिएटिक सोसाइटी कि एशिया में से चंद वो कुछ लोग निकालेंगे जो कि लिटरेचर में आर्ट में सोसाइटी में मतलब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं तो फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने कि नोबल प्राइज रिसीव किया था ये आपको पता ही होगा ठीक है नाइनटीन में मिला था किस वर्ग के, के लिए मिला था गीतांजलि Songs तो ये भी पता ही है क्योंकि मुझे इसलिए पता है हंड्रेड परसेंट पढ़ लिया होगा एमसीक्यूज में भी ये चीज डिस्कस की है फाउंडर ऑफ शांति निकेतन निकेतन यानी कि हाउस शांति यानी कि पीस इसलिए कहा जाता है अबोर्ड ऑफ पीस पेन चेंज करना पड़ेगा ठीक है अबोर्ड ऑफ पीस इसको आज के टाइम में ना विश्व भारती कहा जाता है और इसी नाम पे विश्व भारती स्कूल भी चलते हैं और विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है क्या था ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल स्कूल था ये कुछ लोगों को इकट्ठा करके ये देखा जाएगा कि भाई जो उनको वर्बली पढ़ाया जाता है और टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता है किस टाइम तक ता कितनी कैपेबिलिटी कितना स्टोर कर सकती है ठीक है एक और रीजन इसको स्टार्ट करने का नाम का ऐसा कहा जाता है कि इनका एक ही पर्पस था ऑफर करना थ्रू हिज राइटिंग्स वो है लव लव के साथ ही वो लिखा करते थे ठीक है तो इसको ध्यान में रख कर जब ये स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे क्या था पीस प्लस जॉय लव अपने साथ यानी कि क्या चीज़ ब्रिंग करेगा एक चीज़ पीस यानी कि सुकून मतलब शांति जिसको कहते हैं और फिर है जॉय कि मजा आएगा ठीक है तो इस तरीके का एनवायरमेंट इन्होंने फाउंड करने की यानी कि क्रिएट करने की कोशिश की थी जिसमें पढ़ाया जा सके किसी भी तरीके का स्टिक का विप का यूज ना किया जाए प्यार प्यार में सारी चीजें पढ़ा दी जाए तो चार चीजें और और फिर इनके वर्क ठीक है स्पैन मैंने आपको बता दिया साठ साल का स्पैन है लिखा ही लिखा है कंपोज ही किया है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो हमने सुनी हैं और जब हम छोटे थे हमने पढ़ी भी हैं चाहे आपने एस फॉलो की एन फॉलो की या फिर आपने स्टेट बुक्स को फॉलो किया या आपने कोई वेब सीरीज़ फॉलो की कोई सीरियल देखा वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी हो सकता है ध्यान थोड़ा कम दिया हो टेन से लेके नाइनटीन टवेल्व के अराउंड जब ये डब्ल्यू बी एड्स के कॉन्टेक्ट में आए ठीक है तो डब्ल्यू बी एड्स ने इनको ये क्या कहा कि टैगोर अपने आप में एक तरीके की इंडियन सिविलाइजेशन है कहते हैं ना पूरा का पूरा कल्चर वो आपने इनके अचीवमेंट्स देख लिया कि भाई ये क्या क्या थे दरअसल ये क्रिटिक भी थे लेकिन वो जो क्रिटिसिज्म है ना वो पॉलिटिकल टर्म्स पे था इसलिए कहीं कहीं उसका जिक्र मिलेगा बाकी नहीं मिलेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है ठीक है क्रिटिसाइज अगर कोई लिटररी पर्सनालिटी करता है ना मतलब लिटररी क्रिटिक है किसी की ट्लैक पुलिंग कर रहा है तो तो समझ आता है लेकिन जो क्रिटिक अगर ये पॉलिटिकल टर्म्स पे है तो वो तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है तो इन्होंने अपने आप को मतलब डब्ल्यू बी एड्स ने इनको क्या कहा था कि ये इंडियन सिविलाइजेशन है टैगोर को इंडियन उसमें वर्ल्ड पोएट भी कहा जाता है ठीक है वो उनकी जो आइडियोलॉजी है ना क्या ऑफर करने की लव कि आपको बहुत ज्यादा इनकी उसमें नहीं मिलेगा देशभक्ति मिलेगी पेट्रियोटिक थे तो पेट्रियोटिज्म का भी थोड़ा सा आपको मिल जाएगा लास्ट चीज़ जो हमारे लिए एज एन इंडियन इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो नेशनल एंथम है ठीक है गण मन और इंडिया का ही नहीं बांग्लादेश का भी बांग्लादेश का, का बना था 1971 में उससे पहले ये पाकिस्तान था ठीक है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान तो यहाँ का भी नेशनल एंथम इन्होंने कंपोज किया कहा ना कंपोजर भी थे इसके बाद ऐसा कहा जाता है जो एक और हमारी नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका ठीक है उसका भी जो एंथम है ना वो इंस्पायर्ड है इन्फ्लुएंस्ड वो इन दो के नेशनल एंथम से है ठीक है जी तो वैसे तो ये पता है लेकिन फिर भी मुझे लगा कि रिकॉल कराना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने दो देशों के लिए ये चीज लिखी और ये बहुत अच्छी बात है बहुत ही प्राउड वाली बात है स्पेशली बेंगोलीज के लिए चलो अब वर्क की बात करते हैं जब ये कम एज के थे वैसे तो इसको मैं पॉइंट नहीं बनाना चाहती मैं स्टार बना देती हूँ ठीक है काफी कम एज के थे तो ऐसा लिखा है कि जो इनकी फर्स्ट पोम थी ना ये आपको मिल जाएगा सन लॉयन के नाम से हुई थी, यानी कि भानु सिम्हा इसका मतलब होता है सन लॉयन ठीक है एक अंडर ये क्या था ये इस अंडर स्यूडोनिम थी वैसे तो सीडोनिम ने ही पूछता लेकिन ये पूछ सकता है कि भाई इनका जो पहला जो वर्क था या कौन सा ऐसा राइटर है जिसका जो फर्स्ट वर्क आया था वो इस अंडर स्यूडोनियम आया था या कौन सा सीडोनियम टैगोर ने अपने फर्स्ट वर्क में यूज़ किया था या जिस जो नाम वो मतलब इस वर्क के बाद कहा जाता है कि टैगोर ने अपना असली नाम यूज़ करना स्टार्ट किया ठीक है तो इनके जितने भी भाई वगैरह थे वो सारे कंपोजर थे मोस्टली राइटर थे बहुत अच्छी शिक्षा और दीक्षा थी तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कहाँ तो ये भी जाता है कि टैगोर ने जो भी कुछ सीखा भले वो स्कूल नहीं गए लेकिन बहुत हद तक उनका जो रोल था ना अपनी फैमिली में पहले लोग अटेंशन नहीं देते थे टैगोर को क्योंकि ये था कि सब पढ़ गए बस ये बच्चा नहीं पढ़ा लेकिन जो उनकी हंगर थी ठीक है रीडिंग के लिए लर्निंग के लिए उसका जो स्टेटस था वो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे फैमिली का जो रुतबा है या जो नजरिया है इनके लिए स्पेशली नजरिया रुतबा तो नहीं वो तो गलत वर्ड हो जाएगा नजरिया भी चेंज होता गया नॉवल्स इसको रब कर देते हो ना बहुत सारा वर्क बंगाली में लिखा गया है क्योंकि बंगाली से ट्रांसलेट हुआ है पहली चीज गोरा कि फेयर फेस एक तरीके से आपको ऐसा मिलेगा नॉवल है कब आई है ये मुझे बताओ 1910 1911 या 1912 ठीक है कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट है मतलब लॉन्गेस्ट नॉवल है जितने भी नॉवल्स इन्होंने हैं उसमें से ब्रिटिश राज मोस्टली जगह यही है ठीक है लेकिन ब्रिटिश राज के साथ साथ मतलब जो कैरेक्टर है जो कहानी है पॉलिटिक्स भी है जो रिलीजन चलता है क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तो हमारा तो रिलीजन से बहुत कुछ रहा है है ना कास्ट क्रीड रिलीजन फिर उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन उनके अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स फिर कुछ ऑर्थोडॉक्स ठीक है और फिर आ गई बाहर से मॉडर्निटी ईयर दीपक जी बोल रहे नाइनटीन टेन हाँ बात तो ठीक है तो ये पढ़ लेंगे जितना दिया गया है उतना इनफ है फिर भी अगर सबरी नहीं मिले तो प्लीज एक ही जगह मैसेज करें वो है चैनल का ग्रुप डिस्कशन ग्रुप ठीक है जो जिन लोगों को नहीं पता जो जुड़ना चाहते हैं जैसे शो करता है ना वीडियोस प्लेलिस्ट फिर अबाउट मतलब ऐसे कुछ जो शो करता है उसमें देख लेना ठीक है अबाउट में ब्लू कलर से नीचे लिखा हुआ है टेलीग्राम जस्ट बिगिन लिटरेचर मैं ये देख रही थी कि बहुत सारे लोग पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना होता है ना कि एक बार टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको अन कर दिया फिर वो हमने क्या क्या वहाँ पर डिस्कस किया अब तो ये होता था बहुत सारे लोग मीन नए जुड़े हैं और बहुत सारे लोग अभी रिसेंट ही जुड़े हैं कुछ ही वीडियोस तो जब वो पुरानी वीडियोस देखते हैं ना तो वो उनको फिर वही सेम क्वेश्चन करते हैं जो ऑलरेडी मैं 50 बार बोल चुकी हूँ तो फिर उनसे यही है कि जब आप डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाएंगे उस वर्क को सर्च करेंगे ना तो हो सकता है पुरानी चैट्स आपको मिल जाए उसमें से बहुत सारी चीजें मैं डिलीट कर चुकी हूँ उसका रीजन ये था कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन या मैसेजेस तो मैंने छोड़ दिए हैं बाकी जो लगता था कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहे हैं तो मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि इनबॉक्स भरे नहीं ठीक है तो मुझे पता है दो साल बाद भी शायद अगर बाई चांस की बात है मैं यहीं रही तो वो क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा जब आप मैसेज को सेंड करते हैं ना तो क्या मैंने रिप्लाई किया उसको भी विजिट किया कीजिए बहुत सारे लोगों ने चार दिन पहले पांच दिन पहले मैसेज किया था मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रिप्लाई करूं ठीक है अगर फिर भी कोई रह गया है तो जो लास्ट वीडियो चली है ना उस पर मैसेज छोड़ दिया करो इश्मीत सिंह जी कहा जाता है जो पहली पोम थी ठीक है वो जो इनका था ना स्यूडो भानु सिम्हा वो स्यूडोनियम था उस स्यूडोनियम के अंदर वो पोम लिखी गई थी मतलब मैंने कोई पोम लिखी और नाम टेगोर ना डाल के ना भानु सिम्हा डाल दिया ठीक है बस यही चीज थी ये मैंने क्लियर कर दी कुछ और रह गया हो तो बता दो चलो हम नेक्स्ट करते हैं नॉवल शॉर्ट स्टोरीज और कुछ चंद प्ले बस द ब्रोकन नेस्ट टूटा हुआ घोंसला ऐसी कुछ इसकी वो बनेगी ठीक है तो 19 के आगे क्या है मुझे बता दो ये दरअसल क्या है यह नोवेला है अब आपको ये नाम नहीं मिलेगा आपको जो मिलेगा ना वो नाम है अनिर हाँ नस्ता अनिर ये दरअसल बंगाली वर्ड है तो जो बंगाली होंगे शायद उनको ज्यादा अच्छे से ये चीज पता होगी तो बांग्ला में ये कुछ लिखा गया है ये 1901 में रिलीज हुई है दरअसल क्या है ये तीन बार आई है नोवेला, शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी से ज़्यादा होती है नॉवल से थोड़ी कम होती है ठीक है लिटररी टर्म है बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं फिर भी किसी को करनी हो जस्ट सर्च ऑन गूगल तीन बार आई है ये 1901 में 1909 में 1926 में फर्क क्या है देखो स्टोरी एक ही चली है कि इनके जो ब्रदर थे ना जिनका नाम था ज्योतिरिंद्रनाथ ठीक है और उनकी वाइफ थी कादंबरी देवी तो बहुत ही सिग्निफिकेंट उनकी रिलेशनशिप रही है और दोनों का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टैगोर की लाइफ को ग्रोथ देने में कादंबरी देवी जो कि इनकी एक तरीके से ब्रदर इन लॉ मतलब एक क्या लगेंगी सिस्टर इन लॉ हाँ सिस्टर इन लॉ लगेंगी ना तो जो भाभी थी इनकी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि टैगोर की मदर के एक्सपायर होने के बाद जो भी संभाला या कॉन्ट्रीब्यूशन इनका दिया किस तरीके से इनको केयर या नर्चर नर्चरिंग मिली तो वो भाभी का रोल ज़्यादा था अब दिक्कत ये हुई कि ब्रेकडाउन जिसको कहते हैं ना वो कहाँ पे टैगोर का हुआ कुछ टाइम के लिए एक दो साल के लिए उनकी लाइफ में जब इनकी शादी के बाद यानी कि टैगोर की शादी के बाद ऑल ऑफ सडन शी कमिटेड सुसाइड ठीक है तो वो इमोशनली वो एक तरीके से जो बॉन्ड थी वो कहीं ना कहीं टूट गई तो ये इमोशनली अफेक्ट हुए उस चीज़ से तो इसके बारे में यहाँ पे इन फे, इस फेज में बताया गया है पब्लिशिंग ईयर पूछेगा तो ना ही तो 1909 आएगा ना ही 1926 आएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट पब्लिश्ड आएगा 1901 इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है 1901 1909 1902 नाइनटीन हां जी संदीप जी नहीं सिंह जी मुझे भी ऐसा लगा था क्योंकि मैंने वो थोड़ा नीचे लिख दिया था ना अंडर स्यूडो ने भानुसेम मा ऊपर लिख दिया था लेकिन नहीं वो फिर हुआ ठीक है थर्ड नॉवल घोरे बारे घर बाहर भी इसको बोला जाता है ठीक है वर्ल्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जहां टेगोर पढ़ाए जाते हैं ये वर्क लगाया गया है वर्ल्ड घर भी और बाहर भी बांग्ला नाम है इसका ठीक है आपको यहां पे ए भी मिल जाएगा तो थोड़ा सा इस चीज का बांग्ला है ध्यान रखना 1916, दो तरीके के थीम चलते हैं बिमला नाम का कैरेक्टर है मेन बिमला निखिलेश और संदीप एक फीमेल कैरेक्टर को 1916 में बहुत ही बोल्ड तरीके से दिखाया गया है कि भाई वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्ट लेती है मतलब जिस टाइम औरतों को डोमेस्टिक चोर्स में बिज़ी रखा जाता था वो उस टाइम घर से बाहर निकल के वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश करती है ठीक है और बिमला के कैरेक्टर को भारत माता के कैरेक्टर से कंपेयर किया है तो ये ग्रोथ है एक तरीके की स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल इस कैरेक्टर की स्टोरी पढ़ेंगे आपको जितनी अवेलेबल है वो इनफ है अब बात करेंगे इनके प्लेज की ठीक है बहुत सारे लोग मीन वाले मुझे हेलो भेज रहे हैं बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी उसका रीजन यही है बट मैं देखती हूँ मैसेज ठीक है तो ऐसा ना समझें नो नीड टू फील इग्नोर मेरा ध्यान है परेशान ना हो प्लीज द जीनियस ऑफ वाल्मीकि अब ये वाला जीनियस पुरानी ओल्ड उसमें ना कहीं कहीं जगह ऐसे भी लिखा हुआ है ठीक है द जीनियस ऑफ अच्छा वाल्मिका लिख दिया था वाल्मीकि और जो दूसरा नाम इसका मिलेगा वो मिलेगा वाल्मीकि प्रतिभा ठीक है तो दोनों ही सेम नाम है प्लीज कंफ्यूज मत होना ये भी नाम है वाल्मीकि प्रतिभा और द जीनियस ऑफ वाल्मीकि द जीनियस वाल्मीकि नहीं है ऑफ वाल्मीकि है इसको कहा जाता है एटीन एटी वन में आया है और ओपेरा है अगर आप बाहर का सिस्टम देखें ना तो ओपेरा एक तरीके से गाया जाता था बट ये एक तरीके का प्ले है ऐसा हो सकता है प्ले में म्यूजिक का यूज़ किया गया हो ठीक है तो नाटक है और ये कब लिखा था दरअसल इसमें आपको ये पता चलेगा कि जब ये 1881 में इंग्लैंड से वापस आ गए थे ना एज तो कम ही थी मतलब 20 साढ़े बीस या इक्कीस साल के होंगे तो उस टाइम इन्होंने क्या चीज इंग्लैंड में ऑब्जर्व करी मतलब इनका जो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी जो है जो बढ़ गई जिज्ञासा जो बढ़ी वो वेस्टर्न हारमोनीज की तरफ थी म्यूजिक वहां का कल्चर ठीक है तो ये चीजें हैं उसकी तरफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ फिर इन्होंने अपने ऊपर और भी काम किया इनके ब्रदर भी कंपोजर थे ठीक है बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारी फोटोज में नेक्स्ट चीज सेक्रीफाइस एंड अदर प्लेज सेक्रीफाइज एंड अदर प्लेज अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है द सैक्रिफाइस करके भी बहुत सारी बुक्स में आपको भी मिल जाएगा इसका ईयर अगर पता है तो बताओ वैसे तो बहुत लेट है इसका ईयर अकॉर्डिंगली ठीक है कहा जाता है कि ये जो प्ले है ना एस से सैक्रिफाइस और एक्स एस से शेक्सपियर शेक्सपियर का जो मैनर था लिखने का मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर की पांच एक्ट हैं कोशिश उसने यही किया है कि कम से कम हर एक्ट में तीन सीन्स जरूर हों कम से कम और ज़्यादा से ज्यादा पाँच छः भी मिल जाते हैं सात भी मिल जाते हैं ठीक है प्रॉपर प्लॉट है हर एक कैरेक्टर को कोशिश यही की गई है कि जगह मिले बात रखने का मौका मिले एक क्लाउन मिलेगा एक फूल जो कि सारी दुनिया के लिए बेवकूफ़ है बट बात वो समझदारी की करता है कोरस वर्किंग क्लास के लोग ठीक है शैपर्ड हुआ ठीक है ऐसे लोग जो गाते हैं जो शुरुआत करते हैं तो कुछ इस तरीके के कहा जाता है कि शेक्सपियर की जो राइटिंग है प्ले को लिखने का जो उसका तरीका था उसके बिहाव पे ये चीज लिखी गई है रमनदीप जी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो ठीक है जब आप वो टेलीग्राम ग्रुप है वो जिसमें ज्वाइन आप करोगे ना दरअसल वो एडमिन ग्रुप है एडमिन ग्रुप जब आप ज्वाइन करोगे नीचे कहीं राइट में आपको देगा डिस्कस तो वहाँ डिस्कस कर लेना ठीक है उस बटन को तो एक लिंक से दूसरे ग्रुप का ओपन होगा लिंक इंटरकनेक्टेड है मैंने दोनों को पब्लिक नहीं किया है और डिस्कशन ग्रुप को पब्लिक इसलिए नहीं करा है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वो फिर टेंशन क्रिएट करते हैं लोगों के बीच और फिर वो एग्जिट कर लेते हैं तो कई बार कुछ लोगों से बचना भी जरूरी होता है ठीक है मेंटल पीस भी जरूरी है ना तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए न्यू सेंस को अवॉइड करने के लिए मैंने उसको प्राइवेट ही किया हुआ है एटीन एंड नाइनटी बहुत सारी जगह आपको नाइनटीन सेवनटीन भी मिलेगा मैकमिलन मैकमिलन पब्लिकेशन हाउस की अगर आप देखें गूगल बुक्स पे जब आप सर्च करोगे तो नाइनटीन सेवनटी सेवनटीन मिलेगा लास्ट द पोस्ट ऑफिस क्या 1901 रमनदीप जी ये मैंने आपको बता दिया गूगल बुक्स पे जब आप सर्च करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ 1917 देगा ठीक है तो एक दो जगह से इस चीज को और कंफर्म कर लेना मैंने तीन जगह से तो मैंने कर लिया 1917 ही लिखा था सेक्रीफाइस का ईयर लास्ट जो प्लेन का डिस्कस मैं करना चाहूंगी वो है द पोस्ट ऑफिस वैसे डाक घर के नाम से भी आपको मिलेगा ठीक है तो इसका कहीं पूछा गया था कि भाई ये किसका वर्क है ये प्ले किसका है तो 1912 में आया है ये प्ले टैगोर का और स्टोरी ये है कि एक तरीके का मतलब एक बच्चा दिखाया है जिसका कि कोई डिसीज है और पुराने टाइम में तो ये होता था ना कि कोई डिसीज अगर है तो बिल्कुल इनक्योरेबल है तो अलग कर दिया जाता था ठीक है तो इनक्योरेबल डिसीज है अमल नाम के एक बच्चे की स्टोरी है दो चीजें अब मैं डिस्कस करूंगी चार चार लास्ट चार और फिर ठीक है क्योंकि फिर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर एक पेज पे सेंड कर दिया जाएगा थोड़ा सा वेट कर लेना बस क्योंकि लिखने में मुझे टाइम लगेगा कंफर्म करने में टाइम लगेगा शॉर्ट स्टोरीज की हम बात करते हैं पहला काबुली वाला द काबुली वाला भी मिलेगा ठीक है आप YouTube पर सर्च करेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी हैं काबुल एक जगह है जहाँ के ड्राई फ्रूट्स बड़े मशहूर है स्पेशली खजूर और काजू ठीक है काबुली चना भी होता है तो काबिल वाला एक शॉर्ट स्टोरी है कि काबुल का कोई पर्सन है जो ड्राई फ्रूट्स बेचने मतलब ओरिजिन उसका काबुल है और वो कैलकाटा आता है कैलकाटा में जब वो घूम रहा होता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सेल करता है तो वहाँ एक मिनी नाम की बच्ची है जो महज पाँच साल की है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है मिनी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है तो किस तरीके से एक इंसान एक बच्ची से दोस्ती करता है और कितना भी बीमार हो सिर्फ उस बच्ची से मिलने के लिए वो उस जगह जाया करता है ठीक है तो ये स्टोरी है बहुत बार पूछ लेता है कि गर्ल का क्या नाम था इसमें नेक्स्ट जो आपको करनी है वो है द होम कमिंग नाम ध्यान रखना है घर वापसी ठीक है इसका ईयर बताओ मुझे ईयर द होम कमिंग घर वापसी घर वापस आना लास्ट शॉर्ट स्टोरी और फिर एक लास्ट वर्क ये मैं इसलिए बता रही हूं ताकि फिर थोड़ा सा होता है ना ज्यादा टाइम हो जाएगा वैसे आप लोग तो खाना खा के बैठे होंगे मैं तो मोस्टली मेरे को टाइम नहीं मिल पाता हां जी गुरप्रीत कौर जी गर्ल का नेम है मिनी ठीक है ईयर बताओ इसका इतने में दूसरा लिख लूँ माई थर्ड माई रिमेसनेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी ठीक है उसकी ऑटोबायोग्राफी में मेरी कुछ यादें मेरी कुछ कहानी के अंश अगर मैं बोलूं तो बायोग्राफी नाइनटीन ट्वेल्व में आई है बायोग्राफी है इसका जॉनर ना ठीक है द होम कमिंग किसी और की भी है होमकमिंग हाँ जी गिन्नी जी ठीक है बहुत सारे लोगों का होता है ऐसी बात नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये आपको जब सर्च करोगे ना तो दिखाएगा कि 2014 है इसका गूगल बुक्स पे यही दिखा रहा है कि ऑथर टैगोर हैं जिस भी पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश करी है दरअसल मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कई बार राइटर लिखते हैं वर्क कभी म्यूजियम में रख दिया गया कभी कहीं खो गया ठीक है कुछ सालों बाद किसी को वो मिला उसने पढ़ा और फिर वो पब्लिश कराया गया तो जहां से भी मैंने पढ़ा टू है ठीक है हाँ जी परमिंदर सिंह जी मुझे याद है हेरोल्ड पिंटर ने वो स्टोरी बनाई थी ना कि भाई उस वेटर को घर जाने की बड़ी जल्दी थी याद है मुझे वो ठीक है हेरोल्ड पिंटर को हमने स्टोरी की फॉर्म में याद किया था लास्ट चीज़ मैंने स्टोरीज के नेम नहीं बताए हैं मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहती हाँ जी गुरप्रीत कौर जी अरे बहुत सारे लोगों के सेम नाम होते हैं सेम वर्क के नाम है एंड है मतलब जो हम पढ़ते हैं ना वो तो एक ड्रॉप के जैसा है पूरे सी में पूरे ओशियन में एक बूंद की तरह काम करता है लिटरेचर अगर मैं बताऊँ तो इतने राइटर इतने पोएट इतने कंटेम्प्ररी लिटरेचर्स ऑलरेडी हैं कि आप चाह कर भी उनको ख़त्म नहीं कर सकते एक राइटर अगर सौ से ज़्यादा काम लिख कर गया साठ साल अगर ये लिख कर गए हैं तो अगर आप पढ़ने बैठो ना पॉसिबल नहीं है ठीक है जीवन सनुधि भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है संदीप जी की जो बात का रिप्लाई करो भाई द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में कंपाइलेशन आया है दरअसल कंपाइल्ड कर दिया गया है जो जो इन्होंने लेक्चर्स कभी दिए होंगे ना क्योंकि इनकी भी तो वो होती है शांति निकेतन तो एज अ टीचर एज अ नेचुरलिस्ट एज यूनिवर्सलिस्ट एज अ प्रोफिट और एज अ फिलोसोफर जो जो इन्होंने कहा होगा सबको कंपाइल करके क्लब करके ये एक बना दिया गया वर्क एक किताब बना दी गई इसमें डाल दिया गया एबनॉर्मल टिकल अरे ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हैं भाई देख लो पहले अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो ठीक है फिर मैं टाटा बाय बाय जस्ट लिख दूं क्या पूछ रहे हैं सिंह जी हाँ एक तो रह ही गया मेजर वर्क गीतांजलि ये कह रहे हो ना गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग्स हाँ ये 1910 में ओरिजिनली लिखा गया था लेकिन जब ट्रांसलेशन हुआ तो बाय द टाइम 1912 हो गया जिसका के इंट्रोडक्शन डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा था ठीक है कई बार ना इसमें पूछ लेता है कि कितने सॉन्ग्स हैं ऑप्शन दे देगा वन जीरो थ्री वन जीरो फोर वन जीरो फाइव या वन जीरो सिक्स चलो ये बता दो ठीक है डैश सॉन्ग्स भी कहते हैं और पोम्स भी कहते हैं बट सॉन्ग्स ऑफरिंग है ये सॉन्ग्स आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है डिविजन कुछ इस तरीके से की गई है रब करो एक बार अब मुझे फिर वो वही बात है ना मुझे इतनी सारी स्टोरीज उसमें ग्रुप में, में लिख कर दे रहे हैं अब इतना मैं एक्सटेंड इस लेक्चर को करना नहीं चाहती मुझे पता है ज़्यादा टाइम नहीं तो ले लेगा ठीक है इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तो जो लोग भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है हंड्रेड एंड थ्री ठीक है इसका डिविज़न कुछ इस तरीके से है तिरपन और पचास ठीक है कहीं अगर पढ़ें तो पढ़ लेना नहीं तो ये टोटल नंबर याद रख लो हाँ जी रमनदीप जी दर्द पोस्ट ऑफिस 1912 ही है वो मैंने बता दी है ठीक है तो ये चीजें हैं वैसे आप इनके लिटरी अचीवमेंट्स या स्टोरीज के बारे में और जानेंगे तो आपको पता चलेगा एंड नंबर ऑफ चीजें इन्होंने लिखी हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि सिर्फ नाम ध्यान रख लो बहुत सारी मूवीज बांग्ला में भी और हिंदी में भी बहुत सारे सीरियल्स बांग्ला में भी हिंदी में भी इनके वर्क से बनाए गए हैं जिसे कहते हैं ना अडेप्ट करना वो हुआ है ठीक है तो फ्रॉम माई साइड हैप्पी गुड नाइट क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ें अलाउ नहीं करेंगी अलाउ इन द सेंस कि यूं तो आप पढ़ते रहिए दो दो घंटे भी तो लगातार क्लास होती थी ठीक है जिनको नहीं पता तो पहले हम 11 बजे भी मिलते थे दिन 12 बजे भी मिलते थे और दोनों ही एक्सट्रीम के राइटर्स हम डिस्कस करते थे तो उस चक्कर में मुझे याद है अभी किसी ने मुझे कमेंट भी किया था जॉर्ज एलियट में दरअसल उसका मैंने कहा था ना कि पेन नेम स्विच हो गया था तो वो वही बात है फिर वो कहेंगे बट चलो कोई बात नहीं फ्रॉम माई साइड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट बाकी जो होगा वो बता दिया जाएगा परमजीत सिंह जी आप ब्लेक का पूछ रहे हो क्या सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस तो ब्लेक की विजिट कीजिए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जिस जिसने भी वर्क लिखा है ना सबसे पहला नाम ब्लेक का ही आता है लोगों ने और भी लिखा है ठीक है लेकिन हम सिर्फ ब्लेक को ही प्रायोरिटाइज वहां पर करेंगे क्या कह रहे हैं द होम कमिंग वॉज एन अनएक्सपेक्टेड अरे इतना बड़ा मैसेज तो मैं नहीं पढ़ सकती ठीक है अब नॉर्मल टिकल जी फ्रॉम माई साइड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट खुश रहिए कोशिश यही कीजिए कि कम टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें कोई राइटर आप पढ़ रहे हो रिवाइज करो यूट्यूब पर इंडिविजुअली यूट्यूब काफ़ी लोगों ने यूट्यूब मतलब यूट्यूब इंडिया पे वीडियोस डाली हुई हैं एम भी हैं इंडिविजुअल राइटर भी हैं ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लो ठीक है कोई बात नहीं अब नॉर्मल टिकल अब मैं फिर क्या बोलूं चलो